आइए अब बात कर लेते हैं कॉलर से। पहले कॉलर है हमारे साथ जबलपुर से, स्वागत है आपका। बोलिए बोलिए, सवाल करिए। हाँ मेरी हकीम सर से बात हुई थी मैम, अच्छा तो उन्होंने लेने के लिए अलसी और या गोंद, तो वो मुझे मंगवाना है वहाँ से, ठीक है ठीक यहाँ है तो कुछ नहीं क्या है। ठीक है। जो लोग फ़ोन लाइन पर बैठे हैं इनकी मदद की जाए, इनकी सहायता की जाए, और फिर से मैं आपको नुस्खा बता देता हूँ। फ़ोन लाइन पर जो लोग बैठे हैं इनके नंबर नोट करें और इनको मदद करें। देखिए, आपको अलसी लेनी है और सिया गोंद लेना। अलसी 500 ग्राम, सिया गोंद 100 ग्राम, और अलसी को भून कर पाउडर बना लें और सिया गोंद को अलग पाउडर बनाएं। इसकी दो चुटकी एक चम्मच अलसी पाउडर में मिलाकर रोज़ाना सुबह और शाम नाश्ते के पश्चात खाएं तो आपको फ़ायदा होगा। आपको हमारी तरफ से कॉल आएगी या आप हेल्पलाइन नंबर पर बात कर लें। अभी आप लाइव बात कर रहे हैं तो वो आपको पूरी बात बता देंगे, कहाँ से मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, कैसा होता है, कितने का होता है, तो आपको मदद अभी मिल जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, एक छोटी सी बात यहाँ पे जानना चाहूँगी आपसे हकीम साहब। गौनसिया के बारे में जब आप बात करते हैं कि गौनसिया असली ही होना चाहिए, और गौनसिया क्या इतना गर्म होता है कि अगर हम इसे ज़्यादा इस्तेमाल कर लें तो ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुँचा सकता है? हाँ, इस गौनसिया ही नहीं बल्कि हर चीज़ हमें नुकसान पहुँचा जी, सकती है, जो भी हम अपनी यानी बर्दाश्त से बाहर ले लें। बिल्कुल, मतलब हर चीज़ हमें नुकसान देती है जब हम उससे ज़्यादा ले लेते हैं। कम लेंगे तो नुकसान नहीं देगी, तो फ़ायदा थोड़ा कम होगा जी। लेकिन एक तबीब, एक हकीम, एक वैद जो क्वांटिटी बताता है उससे ज़्यादा कभी ना करें। बिल्कुल। अच्छा, ये क्योंकि बहुत तेज़, इससे दवाएं बनती हैं, जितनी भी ओरिजिनल दवाएं बनती हैं दर्द की, तो ये गोंद यूज़ होता है। और इसकी जो सबसे बड़ी मकदार है जो एक वक्त में ले सकते हैं इसका, वो आधा ग्राम से ज़्यादा नहीं ले सकते। कुछ लोग गलत सुनकर, गलत लिखकर और अगर करेंगे तो उनको परेशानी हो सकती है। चलिए, इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो, जी रमेश बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बताइए। हकीम साहब नमस्कार। जी आदाब रमेश जी। हकीम साहब, मेरे ना फेस पे स्वेलिंग स्वेलिंग सी हो गई है, ऐसे ना जैसे लटका लटका सा हो गया, आंखों के नीचे काफी ज्यादा गहरी सी खाल ऐसे ना उभर गई है जगह जगह फेस पे, चकते चकते जैसे। मैं डॉक्टर को दिखाया, वो बोल रहे कि बीपी की परेशानी, बीपी की मेरे परेशानी रहती नहीं है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि नहीं बीपी की परेशानी, उन्होंने दवाई लिख दी है, विटामिन वगैरह और क्या क्या बीपी की दवाइयाँ, किस वजह से हो सकता है ये? देखिए, बीपी तो चेक करा लें कहीं भी, आजकल तो जगह जगह पर मशीनें हैं बीपी की, आप घरों में रखने लगे हैं तो बीपी होगा तो नज़र आ जाएगा। लेकिन बीपी की शिकायत की एक ख़ास निशानी होती है कि हमारे ये जो ये जगह है ना, नीचे वाली पलक, एक ऊपर की पलक होती है एक नीचे वाली, ये सूज जाती है जिसको बीपी रहता है। तो क्या ये सूजी भी है? आप तो चकत्ते बता रहे हैं, तो चकत्ते तो किसी दवा का नुकसान से हो सकते हैं, और ये ठीक होना भी बड़ा आसान है। एक चुटकी नमक एक गिलास पानी में मिलाकर पी लीजिए आप, और पानी ज़्यादा पीजिए। तो ये चकत्ते लाल लाल हो जाते हैं, ये किसी दवा का मामूली रिएक्शन होता है, और अगर पूरी बॉडी पे होंगे तब भी इनका ठीक होना मुमकिन है। बात करते हैं अगले कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो हेलो, क्या नाम मैडम? हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम प्रिया जी। जी प्रिया जी, हाँ जी, मेरी बेटी है 13 साल की, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही। ठीक है जी, बहुत सही वक्त पर फोन किया आपने। दरअसल लोग उम्र निकलने के बाद फ़ोन करते हैं, अभी उसकी ग्रोथ की उम्र है, अभी उसके लिए बहुत कुछ हो सकता है। एक नारियल पानी में आधा ग्राम गोंद मोरिंगा, असली वाला यानी सफ़ेद वाला गोंद मोरिंगा आधा ग्राम मिलाकर रोज़ पिलाया करिए, आप देखेंगे बच्ची की हाइट
बच्ची के बाल ग्रोथ करेंगे, हाइट और बहुत सारी चीज़ें उसकी सब ग्रोथ करने लगेंगी और बच्ची तंदुरुस्त और अच्छा होना मुमकिन है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है बात जाननी हकीम साहब के, जो बच्चे बढ़ती उम्र में भी हाइट के लिए मेडिसिन लेते हैं जिनका उन्हें साइड इफ़ेक्ट भी हो जाता है, तो ये बात आप अपने आप ही उनको बता दीजिए कि लड़के और लड़कियों की हाइट कितने एज में बढ़ सकती है। देखिए, लड़कियों की हाइट का जो तजर्बा है वो ये है कि बस 18 साल के बाद नहीं बढ़ती, और लड़कों की हाइट 20 और 22 साल तक भी बढ़ती है, ऐसा हमारा तजर्बा है। तो उससे पहले पहले अगर जो नुस्खे मैं बताता हूँ वो इस्तेमाल किया जाए तो काम करेंगे, नहीं तो फिर काम नहीं करते, ऐसा मेरा तजर्बा है। लोग कहते हैं हर उम्र में हाइट बढ़ सकती है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसकी एक एज है, ग्रोथ की एज में अगर आप मेडिसिन देंगे तो उनको फ़ायदा होगा, नहीं तो फ़ायदा होना नामुमकिन है। तो चलिए इसी के साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। जी स्वागत है आपका। हेलो हेलो, आज मैं, हाँ जी बोलिए, नेटवर्क में आके बात कीजिए। हाँ हाँ बोलिए, सवाल करिए आप अपना। हाँ, मुझे मैं खाना बिना खाती हूँ अच्छे से, लेकिन थकान बहुत आती है और सिर में पंदर होता है, कमर पर दुखती है। कमर दुखती है, आप पंखा बंद कर दीजिए, पंखा आपकी आवाज कहीं और ले जाता है। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, खाया पिया आपको नहीं लगता है? और हाँ, खाया पिया कितना ही खाते हो तो थकान थायराइड भी है। अच्छा, आपको खाया पिया नहीं लगता है और आपको थायराइड है? बहुत कमजोर हो गई है, चल नहीं पाती है। उम्र बता दीजिए अपनी। 36 37 37। दो खजूर, दो अंजीर, एक पाव दूध में शेक बनाकर दिन में एक बार या दो बार पिया करें, आपकी परेशानी का हल होना मुमकिन है। तो देखिए, इतने छोटे से नुस्खे आपके लिए कितना कारगर साबित हो सकते हैं अगर आप इन्हें अपनाती हैं। तो अगर आपको खाया पिया नहीं लग रहा है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो रही है, चलने फिरने में थकान महसूस होती है, तो ये छोटा सा नुस्खा अपना ज़रूर लीजिएगा। बाकी दर्शकों, आप लोग भी अपना रोग संबंधी यहाँ पर प्रश्न कर सकते हैं, लाइव आप लोग हकीम साहब से बात कर सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसे आप लोग सेहतमंद हो सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसे आप बड़ी सी बड़ी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं, ऑपरेशन तक की नौबत को आप रोक सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए हमसे जुड़ना होगा, इन नंबर्स पे कॉल करना होगा जो आपके सामने आपके टीवी स्क्रीन्स पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ मैडम नमस्कार, मैं धार से बोल रहा हूँ, जगदीश शर्मा। क्या नाम है आपका? जगदीश शर्मा। ठीक है शर्मा जी, बताइए सवाल करिए अपना। मेरे क्या कान में आवाज आ रही? कान में कैसी आवाज आ रही है? जैसे सीटी बजती है ना, सीटी बजने की आवाज कान में आती है। ठीक है शर्मा साहब, मैं समझ गया। और देखिए, ऑपरेशन मत कराना अभी, पहले मेरी बात मानना और 15-20 दिन तक जो मैं बता रहा हूँ वो करना। देखिए, बहुत लेटने बैठने की एहतियात रखें, वजन बिल्कुल ना उठाएं, और दो एक्सरसाइज बता रहा हूँ वो आप रोज़ करें, दो दो चार चार मिनट, नहीं तो आपको इतना परेशानी होगी। कोई कहेगा कि हड्डी बढ़ गई, कोई कहेगा दिमाग में कुछ है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन ये बगैर दवा के आप ठीक हो सकते हैं। ये रोग देखिए बहुत आसानी जा सकता है एक एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज ये है कि ऐसे बैठे मेरी तरह और ये ऐसे मोंडा वही रहे और कान अपने मोंडे से मिलाने की कोशिश करिए। ये आप करते रहे दिन में जितना भी कर सके, लेकिन दो चार मिनट तो ज़रूर करें घड़ी देख के, एक ही है और एक ही है। ये ठोड़ी पकड़ें ऐसे ज़ोर से, ऐसे करते रहे, ये भी दो चार मिनट करें, और वैसे तो 10 दिन में अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन आप 15 दिन का इंतज़ार करें, ये एक्सरसाइज करते रहें, और ज़्यादा ऊँचा तकिया लेकर न सोए, और ऐसे हम जैसे बेड पर लेट जाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके
तकिए के सहारे और टीवी देख रहे हैं, ऐसे मत लेटिए, बहुत सतर्क रहिए 15 दिन तक। 15 दिन में आपका ये रोग बगैर दवा के भी जाना मुमकिन है। कॉलर हैं लखनऊ से मीनाक्षी हमारे साथ, स्वागत है मीनाक्षी आपका। नमस्कार मैम जी। नमस्कार, मैं थोड़ा सा हकीम साहब से बात करना चाह रही हूँ। जी जी फरमाइए। सर मेरे ना एड़ियों में ऐसे लगता है कि सुई सी चुभन सी हो रही है और जलन बहुत होती है पैरों में और पैरों में और हाथों में, और हाथ जो है ना जैसे मोबाइल भी पकड़ती हूँ तो सुन्न हो जाते, चीटी सी लगती है हाथ पैरों में, जैसे बाथरूम जाए तो बाथरूम में पैरों के बल बैठे तो लगता है कि पैर सो गए और चीटियां सी उसमें पूरे शरीर में जैसे हो रही है। आप हेल्दी हैं क्या? मैं सर मेरी वेट है 55। हाँ तो ज्यादा हेल्दी तो नहीं है। हाँ मेरे को थायराइड है सर, थायराइड है। समझ गया समझ गया। हाँ और बी अप डाउन होता रहता है, कभी हाई कभी लो कभी हाई, और हाथ मतलब सांस बहुत फूलती है सर। ठीक है ठीक है, आपके लिए एक नुस्खा है और बस थायराइड ठीक कर लें, आपका सारा मसला ठीक होना मुमकिन है। अच्छा थायराइड की दवा भी चल रही होगी, वो भी खाते रहें और जो मैं बता रहा हूँ वो लिख लीजिए, लिखेंगे नहीं तो कुछ गलत करेंगे तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं। आपको 300 ग्राम धनिया लेना है और 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम मेथी और 100 ग्राम गौन मोरिंगा असली वाला सफ़ेद वाला, गौन मोरिंगा असली सफ़ेद वाला, लाल लाल सा जो मिलता है वो मत लेना। तो इसको पाउडर बनाकर आप एक चम्मच सुबह खाएं वो गोली के साथ जो आपको डॉक्टर ने दी हुई है, या उसके बाद या उससे पहले भी खा सकते हैं, और एक चम्मच शाम को भी गर्म पानी से लिया करें और आप देखेंगे कि ये ख़त्म होते होते ये मटेरियल जो मैंने आपको बताया आपकी या तो गोली छूट जाएगी, कम करते जाएंगे डॉक्टर आपके हर महीने थायराइड की गोली की प्रोटेंसी कम होती जाएगी, और हो सकता है कुछ और भी लेना पड़े, नहीं तो इसी नुस्खे में आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। आप हर महीने की रिपोर्ट ज़रूर देखा करें और अपने पिछले महीने की रिपोर्ट से मिलाया करें, आप और आपके डॉक्टर को बहुत हैरत होगी कि आपका थायराइड कम होता गया, और थायराइड ठीक होते ही आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाएगी और ये सारी तकलीफें आपकी ठीक होना मुमकिन है। जी अगले कॉलर हैं बाराबंकी से एके जयसवाल हमारे साथ, स्वागत है आपका। मैम नमस्कार। नमस्कार जी आदाब। मैं हकीम जी से बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए। जी आदाब कीजिए। आदाब साहब। हकीम साहब हम आप ऐसा है कि सालों से आपके कैप्सूल यूज कर रहे हैं और अब आप बताते हैं गोंद के बारे में। तो गोंद तो सस्ता पड़ता है हकीम जी, इसका 3 महीने खुराक 1600 रुपए में हो जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं मैं समझा नहीं। अच्छा देखिए मेरी कोशिश ये होती है कि आपको सस्ता इलाज बताऊं, और ये जो गोंद बताता हूं तो ये 10-12 रुपए रोज़ की खुराक होती है, 2 बार लेने में 10-12 रुपए ही लगते हैं। तो मेरी पहली कोशिश ये होती है कि मैं आदमी को घरेलू नुस्खा बताता हूँ, घरेलू नुस्खा है और कुछ लोगों को दवा भी लेनी पड़ती है, लेकिन ये काम दोनों करते हैं। अब वो लोग दवा ले लेते हैं जो ये नुस्खा बना नहीं पाते या उनको कुछ शक शुबा होता है, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, गोंद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कैप्सूल छोड़ सकते हैं, गोंद इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तो बहुत आसान है आपके लिए और ये तो आपको फ़ायदे की बात हुई, आपके फ़ायदे की बात है, आप ले सकते हैं। गोंद से यह काम करता है, अच्छा काम करता है मेरी नज़र में।